एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब हिंदी और मैं परवीन। दोस्तों इस वीडियो से पहले मैं आपके सामने लेके आया था भारत के भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने हरियाणा की भी काफी सारी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, आप उन सबको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हरियाणा राज्य की कुछ प्रमुख ऊर्जा परियोजनाएं, जिनके बारे में आप लोगों ने काफी बार मुझसे कहा था कि सर हरियाणा की ऊर्जा परियोजनाओं के बारे में वीडियो जरूर बनाइएगा, इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 में की गई थी। ठीक है, तो 1966 में हरियाणा की स्थापना की गई थी, तो अगले ही साल हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कर दी गई थी, तो इसको आप ध्यान रखिए। इसके बाद है हरियाणा बिजली बोर्ड को दो भागों में बांटा गया है, एक तो है हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड और दूसरा है हरियाणा बिजली प्रसार निगम लिमिटेड। तो हरियाणा बिजली जो उत्पाद निगम लिमिटेड है, यह राज्य के ताप जल बिजली घरों की देखभाल और रख रखाव का कार्य करता है। ठीक है, इसको ये कार्य सौंपे गए हैं। और जो दूसरा है हरियाणा बिजली प्रसार निगम लिमिटेड, इस निगम को बिजली के प्रसारण और वितरण का कार्य सौंपा गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए हरियाणा के अंदर मार्च सन 1999 में दो वितरण कंपनियों की स्थापना की गई थी, एक तो दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, जिसका लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं DHBVN इस प्रकार से दिखता है, और एक है उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम, जिसका लोगो इस प्रकार से है UHBVN। ठीक है, इस प्रकार से दो भागों में इस बिजली वितरण निगम को बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पर दक्षिणी और उत्तरी हरियाणा कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये हरियाणा का मैप है, तो यहाँ पर ये जो यहाँ से ऊपर का क्षेत्र पड़ता है ना, ये तो उत्तरी हरियाणा पड़ता है, और यहाँ से जो नीचे का क्षेत्र आता है ये दक्षिणी हरियाणा में आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम जिले वाइज देख लेते हैं कि किस जिले के अंदर कौन कौन सी ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की गई है। तो देखिए पंचकुला के अंदर मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं, जो पवन ऊर्जा को मापने के यंत्र होते हैं। इसके अलावा हरियाणा के पंचकुला जिले में मोरनी पहाड़ियों तथा अरावली की पहाड़ियों के अंदर ऊर्जा से संबंधित विशेष रूप से शोध कार्य भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है यमुनानगर। सौर ऊर्जा हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा यमुनानगर के भट्टू कला गांव में यहां पर प्रस्तावित किया गया है, और दीन बंधु छोटूराम ताप विद्युत केंद्र भी यहां पर स्थापित है, और इसकी क्षमता 600 मेगावाट की है, और इसकी स्थापना सन 2008 में की गई थी। और पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना भी यमुनानगर में ही स्थापित की गई है, इसकी क्षमता 1600 मेगावाट की है, और इसकी स्थापना सन 1977 में की गई थी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है पानीपत। पानीपत ताप विद्युत केंद्र आसान गांव के अंदर स्थापित किया गया है, इसकी क्षमता 1367.80 मेगावाट की है, और इसकी स्थापना 1979 में की गई थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है सोनीपत। सोनीपत के अंदर काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत योजना काकरोई गांव के अंदर स्थापित की गई है, इसकी क्षमता 300 मेगावाट की है, और इसकी स्थापना सन 1999 में की गई थी। ठीक है, तो यह है सोनीपत। इसके बाद है झज्जर। झज्जर के अंदर अरावली इंदिरा गांधी ताप विद्युत परियोजना झाड़ली के अंदर लगाया गया है, जिसकी क्षमता 1500 मेगावाट की है, और एक दूसरा है महात्मा गांधी ताप विद्युत परियोजना, जिसकी क्षमता 1320 मेगावाट की है, और इसकी स्थापना सन 2008 में की गई थी। तो चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है फरीदाबाद। गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना फरीदाबाद में स्थापित की गई है, जिसकी क्षमता 1500 मेगावाट की है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं। इसके बाद है गुड़गांव। गुड़गांव के अंदर मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए गए हैं, जो पवन ऊर्जा स्रोतों को मापते हैं, ये गुड़गांव में और महेंद्रगढ़ में दोनों जिलों के अंदर लगाए गए हैं। ठीक है, इसके बाद है भिवानी। भिवानी के अंदर सौर विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, नांदा के अंदर, नांदा एक गाँव है, वहां पर ये स्थापित किया गया है। इसके बाद है हिसार। हिसार के अंदर राजीव गांधी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है, जो खेदड़ गांव में है, इसकी क्षमता 1200 मेगावाट की है, और इसकी स्थापना सन 2007 में की गई थी। इसके बाद है फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर गोरखपुर परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है, इसकी क्षमता 2800 मेगावाट की है, और इसकी स्थापना सन 2014 के अंदर की गई थी। तो ये थी दोस्तों हरियाणा राज्य की कुछ प्रमुख ऊर्जा परियोजनाएं। दोस्तों जीके से रिलेटेड सभी नई नई इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। आप हमारे चैनल से रिलेटेड सभी जीके की इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट www.haryanadistrict.com पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब
लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपने क्वेश्चनों के जवाब हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं।